इसे समझो ना रे शम का तार भैया, इसे समझो ना रे शम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आप सभी के काफ़ी ज़्यादा डिमांड के ऊपर मैं आ गया हूँ रक्षाबंधन का स्टेटस लेकर, जो कि आपने अभी देख रहा है। तो गाइज, ये स्टेटस आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और गाइज वीडियो पसंद आती है तो वीडियो क्लिक लाइक कर दिया। तो गाइज, इस टाइप का एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एलाइट मोशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। आपको इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है कि मेरे डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और सिक इफेक्ट को अपने एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। देन गाइज, चलिए यहाँ से वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए मैं आ गया अपने होम स्क्रीन पे, और यहाँ से मैं अपने सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और सिक इफेक्ट को एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद आपको गाइस अपने एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हमारा एलाइट मोशन ओपन होगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है, देन प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट आपको दिया है, उसे आप इंपोर्ट कर लोगे तो कुछ इस टाइप से हमारा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस, स्टार्टिंग में एक वीडियो क्लिप ऐड है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को मैं फुल स्क्रीन में बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे व्हाट्सएप पर लगाना है, तो आप फुल स्क्रीन में मैं इसे बना रहा हूँ। आप चाहे तो इसे 9x60 के रेशियो में यहाँ पे साइज को क्रॉप कर लेना, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले एक वीडियो क्लिप को ऐड करना है। उस वीडियो क्लिप का लिंक मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से इजीली ले लेना, ठीक है। आपको या फिर मेरे मीडिया फाइल में यहाँ पे भी अपलोड कर दूँगा। तो सीधे से गाइज, मैं उस वीडियो क्लिप को सबसे पहले तो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो उस फाइल को पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से अपना। तो गाइस, देख सकते हो मैंने वीडियो ऐड किया कर दिया है, और ये हमारा नेक्स्ट बीट तक आपका ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो डबल बीट मार्क आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आ जाना है और प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडियम जाना है। यहाँ से अपने उस फाइल को सिलेक्ट कर दिया जिस फाइल में अपने फोटोज़ को रखा होगा, ठीक है। यहाँ से मैं फाइल को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली एक फोटो सेलेक्ट करता हूँ, और ये थ्री डॉट पर क्लिक करके मैं इसे फिल कंपोजिशन एरिया पर कर देता हूँ, ठीक है। वह इसी तरह से आप फोटो को इस तरह से आप अच्छे से एडजस्ट कर देना, ठीक है। आप मूवमेंट ट्रांसफर में जाकर इस तरह से इस फोटो को आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज, ये हमारा फोटो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाए तो मैं इसे डिलीट करके दूसरा फोटो ऐड करके देख लेता हूँ, जो हमारा फोटो इस पर परफेक्टली ऐड हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही फोटो मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, और इसे मैं फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देता हूँ, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट बिट पर आगे इसके एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कट कर देना है, ठीक है। सो गाइज, उसके बाद हमारा कुछ इस टाइप से आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस पर फोटो ऐड करने के लिए आपको तो सबसे पहले फोटो का साइज 1x1 के रेशियो में करना होगा। तो उसके लिए यहाँ से हो जाना बैक प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके 1x1 का रेशियो सेलेक्ट करना, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना, और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडियम में चले जाएंगे, और यहाँ से सिंपली जो फोटो को यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसे फिल कंपोजिशन एरिया पर कर दूँगा, और यहाँ से क्लिक करके करंट फ्रेम इस पीएनजी पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो क्या ये हमारा फोटो 1x1 के रेशियो पर क्रॉप हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ फोटोज़ को क्रॉप कर लेना है। देन क्रॉप करने के बाद आपको फिर से सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है, और गाइस जब ये जो हमारे यहाँ पे ग्रुप देखने को मिला था, ग्रुप के नीचे आप आ जाना स्क्रॉल करके, आपको एक आसमानी कलर का इस तरह का लेयर देखने को मिलेगा जिस पे इमेज करके लिखा हुआ, ठीक है। इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल का ऑप्शन में चले जाना, स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना गाइस जिस फाइल में अपने फोटोज़ को क्रॉप किया है। सो गाइस, क्रॉप किए हुए फोटो को मैं जैसे ही ऐड करूँगा तो आप देख सकते हो हमारा फोटो कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ऐड हो गया। तो गाइज, इसी तरह से आपको सारे लेयर्स पे यहाँ पे फोटोज़ को ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी बिट्स मिलते हैं सारे बिट्स पे 1x1 करके आपको फोटोज़ को ऐड करके फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है। सो गाइज, यही प्रोसेस करते हुए लास्ट तक फोटोज़ को ऐड करना है। तो चलिए गाइज, फोटोज़ को करते हैं ऐड, और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइज, सारे फोटोज़ को ऐड करने के बाद आपको हो जाना है यहाँ से बैक सिक इफेक्ट में आ जाना है, और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला जो वीडियो इफेक्ट दिया गया है इसको सिंपली क्लिक करना है। इफेक्ट में जाके यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है, ठीक है। वीडियो इफेक्ट को कॉपी करने के बाद आपको जो स्टार्टिंग में हमने वीडियो ऐड किया उस वीडियो पे इस इफेक्ट को सिंपली अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से फिर से सेक इफेक्ट में आना है, देन आपको जो सेकंड वाला इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से दिया है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, सॉन्ग बीट मार्क को ओपन करना है, ठीक है। और ये वीडियो के बाद हमारा जो फोटो आ रहा है इस पर सिंपली ये वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर याद रखना है, वीडियो के बाद हमारा जो फोटो आ रहा है उस पर ये वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है। आपको मैं टाइमिंग जो बताऊँगा उस टाइमिंग को याद कर लेना, ठीक है। आपको आ जाना है 12:17 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पे जो फोटो है इस पर सिंपली आपको फिर से यही वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। जो हमारा हेक्सागोनल इफेक्ट है इस टाइप से, वीडियो इफेक्ट का जो वाला इफेक्ट है इसको आपको यहाँ पर भी ऐड कर देना है। टाइमिंग आप देख लेना 12:16 सेकंड पे। सो गाइस, इन दो जगह पर ये इफेक्ट को अप्लाई कर दोगे तो आपका ये तो गाइस यहाँ पे भी ऐड कर दोगे तो आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है। यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको आ जाना है, आपको मैं टाइमिंग जो बता देता हूँ उस टाइमिंग पे आ जाना,
तो गाइज आपको फिर आ जाना है 25.02 सेकंड पे, ठीक है। ये वाले फोटो पे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे भी आपको सेकंड वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। देन आपका सेकंड वाला इफेक्ट का काम हो जाता है कंप्लीट। फिर इफेक्ट में आ जाएंगे और हमारा जो थर्ड वाला इफेक्ट है, इस इफेक्ट को आपको यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद फिर से आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको ये वाला जो ग्रुप पे हमने फोटो ऐड किया था, ठीक है, ये वाला ग्रुप, ग्रुप के बाद जो हमारा बीट आ रहा है 11.15 सेकंड पे, सिंपली इस फोटो पे क्लिक करना और यहाँ पे इफेक्ट में जाकर 3 डॉट पे क्लिक करके इसे हमें अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 3 फोटोज़ पे ये वाला इफेक्ट को, थर्ड वाला इफेक्ट को अप्लाई करोगे तो फिर हमारा डबल बीट मार्क देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको 3 फोटोज़ पे ये थर्ड वाला इफेक्ट को अप्लाई करना है। देन आपको फिर नेक्स्ट जो टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे आप इसे ऐड करना। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है, आपको जो टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग का आप नोट कर लो, ठीक है। 24 सेकंड पे आ जाना है, 24 सेकंड पे आने पे यहाँ पे भी आपको 3 फोटोज़ पे फिर से थर्ड वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी 3 फोटोज़ पे अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे तीनों फोटो पे अप्लाई करने के बाद हमारा थर्ड वाला इफेक्ट का हो जाता है काम यहाँ से कम्प्लीट, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको भी हम अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से हमारा थर्ड वाला इफेक्ट का हो गया काम कम्प्लीट। देन आपको सेक इफेक्ट में आ जाना है और हमारा जो फोर्थ नंबर का इफेक्ट है, हमें फोर्थ नंबर का इफेक्ट को यहाँ से, अब चलिए हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद फोर्थ नंबर का इफेक्ट को सिंपली अपने सॉन्ग बिटमार्क में आ जाना है और सॉन्ग बिटमार्क में आने के बाद आपको क्या करना है गाइस कि स्क्रॉल करके आ जाना है जहाँ पे अभी हमने थर्ड वाला इफेक्ट को अप्लाई किया था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे थर्ड वाला इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है। तो गाइस उसके बाद जो 13.18 सेकंड पे बीट है, उस बीट पे सिंपली क्लिक करना है जो फोटो है, वहाँ पे आपको ये वाला फोर्थ नंबर का इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो गाइस 1 बाय 1 करके इसे आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक हमारा डबल बिट मार्क देखने को नहीं मिल जाता। सो गाइस चलिए इसको करते हैं थोड़ा सा ऐड और वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस आप देख सकते हो 18.08 सेकंड पे मैंने ऐड किया, उसके बाद हमारा डबल बिट मार्क है। तो यहाँ पे आपको इस इफेक्ट को अप्लाई नहीं करना है, इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे आ जाना है। तो उसके बाद आपको आगे थोड़ा सा आ जाओगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो 26.03 सेकंड पे जो हमारा इमेज है, यहाँ से लेके अब आपको लास्ट तक 3 इमेज है, तीनों इमेज पे आप ये वाला फोर्थ नंबर का इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो गाइस इस इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद आपका जो है इस इफेक्ट का भी यहाँ पे काम कम्प्लीट हो जाता है। देन आपको सेक इफेक्ट में फिर से आ जाना है और हमारा जो नेक्स्ट जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे जो कि हमारा 5वां नंबर का इफेक्ट है, ठीक है। सो इसे भी हम लोग यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। कॉपी इफेक्ट करने के बाद सॉन्ग बिट मार्क मुझे कॉपी कर देंगे और यहाँ से बाकी हमारे जो फोटोज़ बचे हैं उन सारे फोटोज़ पे ये लास्ट वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देते हैं। तो जाइए यहाँ पे गाइस देख लेना, इसका जो टाइमिंग है वो आपको दिया हुआ है 90.28 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ से लेके आपको यहाँ पे जितने भी फोटोज़ हैं उन सारे फोटोज़ पे ये वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना आपका ये वाला। इसको भी चलिए गाइस 1 बाय 1 करके हम लोग करते हैं ऐड और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। लास्ट वाला इफेक्ट को कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है गाइज 19.27 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ से सिंपली फोटो पे क्लिक करके ये वाला इफेक्ट को, लास्ट वाला इफेक्ट को अप्लाई कर देना, ठीक है। इसे भी आपको तब तक ऐड करना है जब तक हमारा डबल बिट मार्क देखने को नहीं मिल जाता, ठीक है। यहाँ तक आप ऐड कर दोगे तो आपका जो स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप जो देख सकते हो जो स्मॉल बिट्स थे उस पर, तो आपको थर्ड वाला इफेक्ट को ही अप्लाई कर देना है। तो गाइज यहाँ से हमारा स्टेटस बन के रेडी हो गया, आपको सिंपली वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज आपका भाई ऐसी एडिटिंग हमेशा लेके आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।